19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर ने एक टर्म कॉइन किया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सिर्फ वही सर्वाइव कर सकता है जो अपने आप को वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल डाल सके। इंसान इसका बेहतरीन उदाहरण है। साल 1999 तक 600 करोड़ और साल 2018 में 770 करोड़ की आबादी पार कर चुका है और 2023 तक 800 करोड़ छू लेगा। समय के साथ मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के कारण आज सामान्य इंसान की आयु पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, पर इतना जीने के बाद भी हमारे मन में लंबा जीने या अमर रहने का ख्याल जरूर आता है। अभी के आंकड़ों के अनुसार साल में लगभग 13.14 करोड़ जन्म होते हैं और 5.53 करोड़ मृत्यु, यानी कि एक सेकंड में लगभग 4 जन्म और 2 मृत्यु। मान लीजिए इंसान अमर हो गया और प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु नहीं हो रही, मतलब उसकी आयु सिर्फ एक अवधि तक ही बढ़ेगी, तो जो 800 करोड़ का मार्क हम 2023 में छूने वाले थे वो हम 2021 के ख़त्म होने से पहले छू लेंगे। केवल 10 साल में 131 करोड़ आबादी और बढ़ जाएगी, जो कि लगभग भारत की आबादी के बराबर है। और इसी के साथ ही समस्याओं का दौर शुरू हो जाएगा। बची वन भूमि पर भी मानव अतिक्रमण करने लगेगा, फिर उस भूमि पर भी विवाद होगा कि उसे खेती या फिर रहने के लिए उपयोग किया जाए। भोजन की पूर्ति के लिए और ज़्यादा कृषि योग्य भूमि की जरूरत पड़ेगी। प्रोडक्शन सेम होने से खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफा होगा। ऐसा होने से चॉइस केवल अमीर लोगों के पास रहेगी। इंडिया, जहां 32-42% लोग शाकाहारी हैं, उन्हें मजबूरन भोजन के दूसरे विकल्प तलाशने होंगे। दिन प्रतिदिन खाद्य पदार्थों की मात्रा कम होती रहेगी, जिससे अराजकता का माहौल बढ़ेगा। 13 अक्टूबर 1972, एंडीज फ्लाइट डिजास्टर। यॉर्गोयन एयरफोर्स फ्लाइट, जिसको एंडीज फ्लाइट डिजास्टर के नाम से भी जाना जाता है, एंडीज पर्वत श्रृंखला में 3570 मीटर की ऊंचाई पर क्रैश हुआ था। 45 लोगों की इस फ्लाइट में केवल 28 लोग ही क्रैश से बच पाए और 72 दिन में केवल 16 लोगों को बचाया जा सका। हमारा सामान्य लक्ष्य था जीवित रहना, लेकिन हमारे पास जिसकी कमी थी वह था भोजन। हम बहुत पहले ही विमान में पाए गए थोड़े बहुत खाद्य पदार्थों से वंचित हो चुके थे और उस इलाके में ना तो कोई पेड़ पौधे थे ना ही जानवर। कुछ दिनों बाद हम महसूस कर सकते थे कि हमारा शरीर जीवित रहने के लिए खुद को नष्ट कर रहा है। बहुत जल्द हम भुखमरी से इतना कमज़ोर हो जाएंगे कि उससे उभर नहीं पाएंगे। हमें जवाब पता था, लेकिन ऐसा सोचना ही बहुत भयानक था। बाहर बर्फ में संरक्षित हमारे दोस्तों और साथियों के शवों में शरीर के लिए महत्वपूर्ण जीवन देने वाला प्रोटीन था, जिससे हमारी जान बच सकती थी। पर क्या हम ऐसा कर सकते थे? काफ़ी देर तक हम तड़पते रहे। मैं बाहर बर्फ में गया और मैंने भगवान से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। उनकी सहमति के बिना मुझे लगा कि मैं उनकी यादों के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, मानो मैं उनकी आत्मा छीन रहा हूँ। मैं दुर्घटना के 9 दिन बाद उस पहले चीरे को कभी नहीं भूलूंगा। हमें लगा कि हम पागल हो रहे हैं। हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्या हम असभ्य जानवर बन गए थे, या फिर यही एकमात्र चारा था? सचमुच हम अपने डर की सीमा को आगे बढ़ा रहे थे। हमने मेटल शीट के टुकड़े पर जमे हुए मांस की पट्टी को एक तरफ रख दिया। जब हम सहन कर सकते थे, तब हम में से प्रत्येक ने आखिरकार अपने टुकड़ों को खा लिया। इंसान भी भूख के सामने उतना ही विवश है जितना कि अन्य जानवर, और यह तो एक उदाहरण है। अगर इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो हमें कई उदाहरण मिल जाएंगे। केवल भूख ही अब इंसानों की जरूरत नहीं है, वे सुविधाएं भी कोसता है, सुविधाएं जो केवल ऊर्जा से ही अर्जित की जा सकती हैं। आज के दौर में जहां अधिकतम ऊर्जा की खपत फॉसिल फ्यूल से पूरी की जाती है, सीमित मात्रा में होने के कारण उनके दाम में वृद्धि होगी। समय के साथ मौजूदा अन्य विकल्पों के आधुनिकीकरण से वह फॉसिल फ्यूल्स का स्थान ले लेंगे। दिन प्रतिदिन जनसंख्या वृद्धि और उससे जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग देशों की सरकारों को नए नियम बनाने होंगे, जैसे वन चाइल्ड वन पॉलिसी। ऐसे पहले भी चाइना में किया जा चुका है, पर क्या ऐसे नियम बलपूर्वक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लागू किए जा सकते हैं? क्योंकि ऐसे नियमों को सख्ती से लागू करने पर ही कुछ सफलता मिल सकती है। नो बस जैसी पॉलिसीज भी बन सकती हैं, लेकिन समाज के कई वर्ग के लोग इन पॉलिसीज का विरोध करेंगे।
साथ ही बाकी कानून कठोर से कठोर होने लगेंगे, जिसके चलते छोटे से छोटे अपराध पर भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। और फिर ऐसे लोगों को एग्जीक्यूट किया जा सकता है जो किसी काम करने के काबिल नहीं रह गए हैं। संसाधन पूर्ति के लिए देशों के बीच में युद्ध भी हो सकता है, जिससे जनसंख्या में थोड़ी कमी जरूर आएगी। मानव जाति किसी तरह इस अराजकता के बीच कभी न कभी सामाजिक स्थिरता स्थापित कर लेंगे। अमर होने से इंसान के पास समय ही समय रहेगा, तो क्या लोग समय की कद्र करेंगे? लेकिन जब लोग मरेंगे नहीं, तो क्या हर कोई एक दूसरे की कद्र करेगा? क्या लाइफ की कोई वैल्यू रह जाएगी? एक ही तरह के दिनचर्या से इंसान ऊब जाएगा, क्योंकि इंसान अपने जीवन काल में एक तरह की चीज़ें कई बार कर चुका होगा। यानी कि एक समय के बाद इंसान को जीवन अर्थहीन लगने लगेगा। समय होने से इंसान को सोचने का समय अधिक मिलेगा, जिससे इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है। अंततः उद्देश्य इन मनुष्य सुखवाद के चरम रूपों में उलझा रहेगा, ताकि वे अपने अस्तित्व को अर्थ दे सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।